दोस्तों स्वागत है आपका हमारे एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिग बॉस 18 के कंटेस्टेंट आरफीन खान के लाइफ स्टाइल और बायोग्राफी के बारे में। दोस्तों आरफीन खान को आप शायद नहीं जानते हो, लेकिन मोस्ट कॉन्ट्रोवर्सियल शो बिग बॉस में आने के बाद कई लोग आरफीन खान के बारे में जानना चाहते हैं कि आखिरकार आरफीन खान है कौन जो बिग बॉस में आए हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप भी आरफीन खान के फैन हैं तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें और वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक जरूर देखना, शायद आरफीन खान के बारे में आपको ऐसी बातें जानने को मिले जो आपको ना पता हो। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि इनका रियल नेम आरफीन मुजफ्फर खान है और इनका निकनेम आरफीन खान है। आरफीन खान का जन्म 18 अप्रैल को लंदन इंग्लैंड में हुआ था। प्रोफेशन से आरफीन खान एक एक्टर, मोटिवेशनल स्पीकर, ऑथर और एंटरप्रेनर हैं। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान ने अपनी स्कूलिंग द हेडलैंड स्कूल हाउस लो इंग्लैंड से कंप्लीट की और पढ़ने में ये काफ़ी ब्रिलियंट स्टूडेंट थे। इसके बाद इन्होंने अपने कॉलेज की पढ़ाई सिफील्ड हालन यूनिवर्सिटी सिफील्ड साउथ यॉर्कशायर से कंप्लीट की। चलिए दोस्तों बात करते हैं आरफीन खान के करियर के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान का बचपन लंदन में ही बीता और इनका पालन पोषण लंदन में ही हुआ। इनके फादर और मदर लंदन चले गए और लगभग 60 सालों तक ये वहीं पर रहे। ये घर पर हिंदी और उर्दू बोलते थे और बाहर इंग्लिश में बात किया करते थे और जब ये बड़े हुए तो अपने फादर और मदर के साथ साउथ की मूवीज़ देखने जाया करते थे। दोस्तों आपको बता दें कि जब ये 19 साल के थे तब इन्होंने अपने भाई की कंपनी वाटर फिल्टर में सेल्समैन का काम किया करते थे और 21 साल की उम्र तक इन्होंने इसी कंपनी में काम किया। दिसंबर 1991 में इन्होंने पीक परफॉर्मेंस कोच के रूप में काम किया और इन्होंने इनक्रेडिबल यू कोचिंग की स्थापना की। इन्होंने भारत, दुबई और यूनाइटेड किंगडम अपने कार्यालयों की स्थापना की। इसके बाद इनकी मुलाकात सानू शर्मा से हुई और इन्होंने अपनी फिल्म मेरे ब्रदर की दुल्हन में कास्ट किया, लेकिन इनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर टिक ना सकी और इनकी ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही और इनकी इस मूवी को काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज किया गया, लेकिन फिर भी आरफीन खान ने हार नहीं मानी और लगातार मेहनत करते गए। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान ने 10 से भी अधिक बुकें लिखी हैं और आरफीन खान एक बहुत ही ज़्यादा फेमस मोटिवेशनल स्पीकर भी हैं और प्रेजेंट टाइम पर आरफीन खान बिग बॉस सीजन 18 का हिस्सा है। चलिए बात करते हैं आरफीन खान के अवार्ड्स के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान को एशियाज बिगेस्ट ग्लोबल वर्चुअल 360 का अवार्ड से नवाजा जा चुका है। चलिए बात करते हैं आरफीन खान की फैमिली के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान के फादर का नाम मुजफ्फर खान है। स्क्रीन पर आप इनकी मदर की फोटोज देख सकते हैं। इनकी वाइफ का नाम सारा आरफीन खान है और इन्होंने इनसे 18 फरवरी 2009 को शादी की थी। इसके अलावा इनकी एक सिस्टर भी है जिसकी फोटोज आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। इनका एक सन है जिसका नाम जिहान है और इनकी एक डॉटर है जिसका नाम एजा है। चलिए बात करते हैं आरफीन खान की इनकम के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान किसी भी रियलिटी शो में जाने के लाखों रुपए चार्ज करते हैं। इसके अलावा आरफीन खान की एक मोटिवेशनल स्पीकर से भी अच्छी खास इनकम होती है। इसके अलावा भी इनके इनकम के कई सारे सोर्स हैं। चलिए दोस्तों बात करते हैं आरफीन खान के नेटवर्थ के बारे में। 2024 के हिसाब से आरफीन खान का टोटल नेटवर्थ 5 करोड़ रुपए है। चलिए बात करते हैं आरफीन खान के हाउस के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि मुंबई महाराष्ट्र में आरफीन खान का एक आलीशान घर है और अपने इस घर में अपनी पूरी फैमिली के साथ रहते हैं और इनके इस घर में लगभग सारी सुख सुविधाएं मौजूद हैं। चलिए बात करते हैं आरफीन खान की कार्ड्स कलेक्शन के बारे में। दोस्तों आपको बता दें कि आरफीन खान को लग्जरी कार्स रखने का बेहद शौक है। इनके गैरेज में एक से बढ़कर एक शानदार गाड़ियों का कलेक्शन है। दोस्तों आपको आरफीन खान कैसे लगते हैं हमें कमेंट में ज़रूर बताएं और अगर आप आरफीन खान को दिल से पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।
चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक जरूर करें, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और हमें कमेंट में जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस पर चाहिए, मैं वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।